हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टू टेबल विद नीतू। आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी शेक। जी हाँ, बिल्कुल मार्केट जैसा या उससे बेहतर। देखिए कितना थिक बना है। रेसिपी बहुत सिंपल है, तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसको हेल्दी भी कैसे बनाना है वो सारे टिप्स भी मैं आपको ज़रूर दूँगी। तो बस स्ट्रॉबेरी शेक के लिए हमको दूध चाहिए, स्ट्रॉबेरी चाहिए, स्ट्रॉबेरी क्रश चाहिए, और या तो आइसक्रीम या तो क्रीम, व्हिप्ड क्रीम। ये देखिए मैं स्ट्रॉबेरी बस काट रही हूँ। मैंने क्लीनिंग प्रोसेस पहले ही डिटेल में दिखा दिया है मेरे स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी में, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। बस यहाँ पे आपको चॉप करना है साफ़ करने के बाद, और एक ग्राइंडर लेना है। क्रश आपका बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप मत डालिए। तो आप स्ट्रॉबेरी ज़्यादा ले लीजिए, जो एक पैकेट का साइज़ होता है वो कुछ 180 ग्राम्स होता है। तो अगर आपको पूरा यूज़ करना है तो फिर आप 500 ml मिल्क लीजिएगा। मैं तो यहाँ पे हाफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून शुगर लिया है 60 ग्राम के आसपास। बाद में हम लोग इंक्रीज़ कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ा तो। और दूध हम पूरा नहीं डालेंगे, मैंने 250 ml मिल्क लिया है, इससे मेरा 2 ग्लास बना है। और आप दूध की जगह कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एकदम थिक कर्ड, तो बहुत वो गाढ़ा बनता है। बस इसको ग्राइंड करना है, इंश्योर करना है कि स्ट्रॉबेरी अच्छे से पिस जाए। अब यहाँ पे मेरे पास ये व्हिप्ड क्रीम है, मैं वो डाल रही हूँ। और आप चाहें तो आइसक्रीम डाल सकते हैं, वैनिला आइसक्रीम या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आइसक्रीम डाल सकते हैं, टेस्ट बहुत इन्हांस होगा। रेस्टोरेंट होटल में तो आइसक्रीम ही डालते हैं। और बाकी मिल्क मैं डाल रही हूँ। और मेरे पास ये स्ट्रॉबेरी जैम या स्ट्रॉबेरी क्रश है, तो ना इससे टेस्ट अब बहुत इन्हांस होता है। ये है इसलिए डाल रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉबेरी यूज़ कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप चीनी देख लीजिएगा, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन स्ट्रॉबेरी की कितनी खटास है उस हिसाब से आपको शुगर बढ़ाना होगा। कोई इसे मेजरमेंट का चक्कर नहीं है, बिल्कुल आपके हिसाब का है। तो बस ये हो गया है, ये देखिए ऑलमोस्ट हो गया। बस एक बार और अच्छे से मिक्स करना होगा ताकि जो भी क्रीम है अच्छे से व्हिप हो जाए। और इसके पहले हम लोग ग्लास को डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए मेरा जो स्ट्रॉबेरी का जैम है, ये भी मैंने घर में बनाया है, और ये क्रश की तरह भी काम कर रहा है, तो सब कुछ हो रहा है इसमें। तो आप ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा, मैं इसके साथ ही अटैच करूँगी। और हो सके तो इस ग्लास को फ्रिज में रख दीजिएगा 15-20 मिनट, उससे बहुत खूबसूरत दिखता है। अब ये जो मेरा बाकी का बचा हुआ क्रश है, मैं सब ख़त्म कर रही हूँ। और थोड़ा सा चीनी कम लगा था तो 1 टेबलस्पून और डाल रही हूँ। तो अगर आप जैसे कि हाफ लीटर बना रहे हैं और ये 180 ग्राम स्ट्रॉबेरी है, तो कम से कम 100 ग्राम चीनी डालिएगा। तो बस ये देखिए बिल्कुल घर का ही है। और अगर आपको थोड़ा हेल्दी करना है तो आप एक बनाना भी डाल सकते हो, उससे शुगर का क्वांटिटी कम हो जाएगा और आपका ये स्मूदी बन जाएगा। तो ये देखिए घर में ही आप एकदम बाहर जैसा फील ला सकते हैं। अपने गेस्ट को सरप्राइज़ करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को सरप्राइज़ करिए, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। और मैंने टिप्स बता दी, आप इसे हेल्दी भी बना सकते हैं। बस सर्व करने के पहले थोड़ा फ्रिज में रखिएगा, तो वो थिक अपने आप हो जाता है और लगेगा कि बस भाई बाहर से ही ऑर्डर हुआ है। और इसे डेकोरेट कर दीजिए, तो लग रहा है ना एकदम से बाहर का। तो आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगा, और हो सके तो आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।